you mm -hmm. चलिए वन सेकेंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हम लोग उस स्टूडियो से क्लास नहीं कर पाए नाउ आई हैव चेंज द स्टूडियो तो अब आप लोगों के क्लास में कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे अब क्या आप लोगों को ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग क्लियर है जल्दी से बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है विल स्टार्ट द क्लास ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है ठीक है चलिए तो आज जो हमें टॉपिक शुरू करना है वो कौन सा है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आपका पाचन तंत्र ठीक है आप लोगों को पिछली क्लास में ही मैंने बताया था अगर कोई भी आपसे पूछे कि डाइजेशन क्या होता है या फिर पाचन क्रिया क्या होती है डाइजेशन या पाचन क्रिया के बारे में अगर पूछा जाए तो पाचन क्रिया क्या होती है जो भी आप खाना खाते हैं जो भी आप खाना खाते हैं मान लीजिए आप रोटी खा रहे हैं चावल खा रहे हैं जो भी आप खाना खा रहे हैं उस खाने को आप क्या करते हैं आप उसका ब्रेक डाउन करते हैं आप उसका ब्रेक डाउन करते हैं उसको तोड़ते हैं उसको तोड़ते हो पहले हाथ से तोड़ते हो फिर मुंह के अंदर डालते हैं तो उसे दांतों से छोटे-छोटे टुकड़ों -छोटे में तोड़ा जाता है और पेट के अंदर जाने के बाद वो मॉलिक्यूलर लेवल पे टूटता है यानी कि आपको खाने को तब तक तोड़ना है जब तक कि आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में प्रोटीन अमीनो एसिड में फैट फैटी एसिड में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक आपको इन सारी चीजों को ब्रेकडाउन करना है क्योंकि अल्टीमेटली आपके शरीर के अंदर जो भी आप खाना खा रहे हो वो आपको एनर्जी कर देगा जब वो आपके ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा जब वो आपके रक्त या रुधिर के अंदर अवशोषित हो जाएगा तो अगर मैं डाइजेशन की बात करूं या पाचन क्रिया की बात करूं तो एक पाचन क्रिया तभी खत्म मानी जाती है जब इसके दोनों स्टेप्स पूरे हो जाएं। दोनों स्टेप्स क्या है पहला कर, पहला स्टेप क्या होगा पहला स्टेप होगा खाने का टूटना सबसे पहले आपको क्या करना है तो सबसे पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप क्या होगा सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी कि आपको खाने को क्या करना है सबसे पहले आपको खाने को तोड़ना होगा खाने का टूटना ठीक है दूसरा स्टेप क्या होगा दूसरा स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड जब वही खाना आपका ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड यानी कि जब वही खाना आपका रक्त या रुधिर के अंदर रक्त या रुधिर में अवशोषित हो जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा तो उसे आप क्या कह देंगे तब आपका जो खान आपका जो डाइजेशन है जो पाचन क्रिया है वो क्या हो गई है वो कंप्लीट हो गई है अब अगर मैं ब्रेकडाउन की बात करूं तो ब्रेकडाउन का मतलब क्या है ब्रेकडाउन का मतलब ये है अगर मैं आप ब्रेकडाउन की बात करती हूँ तो ब्रेकडाउन का मतलब क्या होगा ब्रेकडाउन का मतलब है कल आपको पिछली क्लास में आप लोगों को बहुत सारे फूड के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स या तत्वों के बारे में बताया गया था बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था तो यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन से कहने का मतलब ये है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मैंने बताया था वो एक लंबी सी चेन होती है किसकी शुगर या सैक्राइड की कार्बोहाइड्रेट का एक लंबी सी चेन है किसकी शुगर या सैक्राइड्स की तो ब्रेकडाउन से मेरा मतलब है कि जब मैंने चावल खाया और उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट था जो कि एक पॉली था वो पॉली क्या होगा वो पहले टूटेगा छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ये छोटी चेन में कन्वर्ट हो जाता है और इनमें शुगर दो या दस के बीच में रह जाती है तो उन्हीं छोटे टुकड़ों को क्या कह दिया जाता है ओलाइगोसेक्राइड यानी कि आपका पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट होगा किसमें ओलॉइगोसेक्राइड में जैसे जैसे आपका खाना और पेट से नीचे की तरफ जाएगा आंतों की तरफ बढ़ेगा तो आपका ये ओलाइगोसेक्राइड और ज्यादा ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें दो दो के जोड़ों में और शुगर के जब दो दो के जोड़े बन जाते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है डाइसेक्राइड जैसे कि आपका सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज ये सब खाना जब और नीचे जाएगा तो फिर ये और फर्दर ब्रेकडाउन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर मोनोसेक्राइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें मोनोसेक्राइड में एक एक शुगर में और मैंने आपको बताया था खाने के अंदर तीन तरीके की मोनोसेक्राइट पाई जाती हैं कौन कौन सी ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जैसे ही आपका खाने के अंदर ये तीनों चीजें बन जाएंगी ब्रेक डाउन होने के बाद तो ये फ्रक्टोज भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें ग्लूकोज में गैलेक्टोज भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें ग्लूकोज में और फाइनली और फाइनली जो आपका ये ब्लड ये ग्लूकोज है ये ग्लूकोज चला जाएगा किसके अंदर ब्लड के अंदर तो दोनों स्टेप हो गए कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन भी हो गया और ब्लड के अंदर जब वो एब्सॉर्ब भी हो जाएगा तब आप क्या कहेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया पच गया इसका डाइजेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट के अलावा खाने के अंदर और क्या होता है इसके अंदर होते हैं प्रोटीन इसके अंदर क्या पाए जाते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन ये प्रोटीन भी क्या है ये प्रोटीन भी लंबी सी एक चेन होती है और मैंने आपको कल बताया था प्रोटीन किसकी चेन होती है अमीनो एसिड्स की तो जब आप ये प्रोटीन खाओगे तो ये प्रोटीन भी क्या होगा ये भी डाइजेस्ट होगा और ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद और ब्रेक डाउन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर ये भी कन्वर्ट हो जाएगा छोटी छोटी चेन में और इन्हीं छोटी छोटी चेन ऑफ अमीनो एसिड को इन स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड अमीनो अम्ल की छोटी कड़ियों को क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है पेप्टोन्स इन्हें क्या कहते हैं पेप्टोन्स तो आपका प्रोटीन कन्वर्ट होगा किसमें पेप्टोन्स में खाना और नीचे बढ़ेगा और ये फिर से ब्रेकडाउन होगा और जब ये ब्रेकडाउन होके दो दो के जोड़े में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसी को कह दिया जाएगा क्या डाई पेप्टाइड तो पेप्टोन से फिर क्या बनेंगे डाई पेप्टाइड जब ये और ब्रेकडाउन होंगे तो यही फिर कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें अमीनो एसिड्स में और जब ये अमीनो एसिड आपका चला जाएगा किसके अंदर ब्लड के अंदर तो आप क्या कह देंगे आपका प्रोटीन भी क्या हो गया डाइजेस्ट हो गया आपका प्रोटीन भी क्या हो गया डाइजेस्ट हो गया इसी तरीके से जब हम फैट की बात करते हैं तो फैट के अंदर क्या होगा सबसे पहले आपका फैट है ये फैट जो है ये फैट होता है लंबी सी चेन किसका फैटी एसिड का ये किसकी लंबी सी चेन होती है फैटी एसिड्स की ठीक है तो जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये भी छोटी छोटी चेन में कन्वर्ट हो जाएगा और पहले फैट से बनेगा ट्राइग्लिसराइड फिर ट्राइग्लिसराइड टूटेंगे ये कन्वर्ट होंगे किसमें दो दो के जोड़े में जिसे कहा जाएगा डाइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड से फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एक में जिसे कह दिया जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दो यहां पे दो कंपाउंड्स बनेंगे ठीक है और जब ये दोनों कंपाउंड आपके क्या होंगे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो आप क्या कह दोगे आपका फैट यानी कि वसा की भी पाचन क्रिया क्या हुई खत्म हुई ठीक है खाने के अंदर और दो तीन चीजें बची वो तीन चीजें क्या है मिनरल्स यानी कि खनिज ठीक है और क्या होता है इसके अंदर विटामिन और क्या है बहुत सारा जल यानी कि वाटर इनका ब्रेकडाउन नहीं होता है इनका ब्रेकडाउन नहीं होता है ये तीनों की तीनों चीजें एज इट इज क्या होती हैं आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्व हो जाती हैं तो जब आपके कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज आपके प्रोटीनस का अमीनो एसिड आपके फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और ये तीनों की तीनों चीजें जब ये तीनों चीजें आपके ब्लड के अंदर पहुंच जाएंगी तो आप क्या कह देंगे डाइजेशन क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है पाचन क्रिया क्या हो गई समाप्त हो गई तो अब इन्हीं चीजों को करने के लिए इन्हीं चीजों का ब्रेक डाउन करवाने के लिए आपके शरीर में जिन अंगों की जरूरत पड़ती है उन्हीं अंगों के समूह को क्या कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम उन्हीं अंगों के समूह को क्या कहा जाता है उन्हें हम कह देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम तो सबसे पहले सबसे पहले जो आपका खाना है सबसे पहले जो आपका खाना है वो माउथ में एंटर करेगा वो सबसे पहले एंटर करेगा कहाँ माउथ में वो सबसे पहले एंटर करेगा कहाँ माउथ में और यहीं से आपके कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है यही यानी कि यहीं पे जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीसेक्राइड से किस में में ठीक है तो डाइजेशन आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है तो पहला क्वेश्चन जो आपसे बनता है वो क्या बनता है कि बताइए डाइजेशन शुरू कहाँ होता है तो आप क्या बता देंगे कहाँ शुरू हो जाता है माउथ में माउथ से होता हुआ फिर ये खाना आपका माउथ से होता हुआ माउथ से होता हुआ ये खाना फिर आपका नीचे आता है इस नली में और इस नली को कहा जाता है ईसोफेगस या फिर ग्रास नली इसको क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है ईसोफेगस या फिर ग्रास नली अब इस ग्रास नली से होता हुआ आपका खाना इस जे आकार के दिख रहा है इस जे आकार के जे बना हुआ है ना इस जे आकार के एक ऑर्गन के अंदर पहुंचेगा जिसे क्या कहा जाता है स्टमक तो दूसरे नंबर पे पहुंचा कहा ग्रास नली में फिर पहुंचेगा कहा आपके स्टमक में जिसे अमाशे या फिर उदर गुहा भी कहा जाता है स्टमक को एक और नाम से जाना जाता है अमाशय या फिर उदर गुहा ठीक है स्टमक से होता हुआ स्टमक से होता हुआ फिर ये खाना आपका पहुंचेगा कहाँ पे यहाँ से आप देख सकते हो यहां से होते हुए ये पीछे से पीछे से यहां से फिर ये पहुंचेगा कहाँ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि छोटी आंत के अंदर ठीक है तो ये जो आपके सारे हिस्से दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर के ये सब क्या है ये सब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सब आपकी छोटी आंत है कहने को ये स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि छोटी आंत है क्योंकि पतली है अदरवाइज अगर पूछा जाएगा कि हमारे पूरे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है सबसे ज्यादा लंबा हिस्सा कौन सा है तो आप क्या कह देंगे क्या है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है मेरे ख्याल से यहाँ कॉर्नर का दिखाई नहीं दे रहा है इसी के रुकेंगे अब दिख रहा होगा ठीक है तो ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ ये खाना आपका पहुंच जाएगा कहा? ये खाना आपका सीधा पहुंचेगा फिर कहा लार्ज इंटेस्टाइन में तो ये जो पूरे तीन हिस्से चार हिस्से बनाए हुए ये क्या है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है तो आपका क्या क्या बच्चा आपका बच्चा ये लिवर ये गोल ब्लेडर और इधर आपका होगा पेनक्रियाज ये तीनों चीजें भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है लेकिन इन तीनों के अंदर खाना नहीं जाता है इन तीनों के अंदर खाना नहीं जाता है ये सिर्फ एंजाइम्स बनाते हैं जो कि इसके ब्रेकडाउन में मदद करेंगे तो यहां से मेरे को दो वर्ड समझ में आए एक नया वर्ड मैंने आज सुना और वो नया वर्ड क्या था एंजाइम एक हमने नया वर्ड सुना और वो नया वर्ड क्या था आपके लिए एंजाइम तो अगर कोई पूछता है तो मैंने आपको जब प्रोटीन पढ़ाया था मैंने आपको जब प्रोटीन पढ़ाया था तो प्रोटीन के टाइम पे मैंने आपको बताया था तीन चीजें होती हैं प्रोटीन से तीन चीजें बनी हुई होती हैं वो तीन चीजें क्या होती हैं एक तो होती है एंजाइम एक होते हैं आपके हॉर्मोन्स और एक होती हैं आपकी एंटीबॉडीज एक होती है आपकी क्या एंटीबॉडीज तो अगर कोई भी पूछता है कि एंजाइम और हार्मोन में या एंजाइम हार्मोन और एंटीबॉडीज में क्या अंतर है तो तीनों क्या है तीनों सीक्रिश होती हैं यानी कि किसी न किसी से वो क्या होती है श्रावित होती हैं तो अगर कोई पूछे कि हॉर्मोन क्या होता है तो आप बता देंगे कि ये एक ऐसा पदार्थ है ये एक ऐसा पदार्थ है जो ग्रंथियों द्वारा श्रावित किया जाता है ये क्या होता है एक ऐसा पदार्थ जो ग्रंथियों द्वारा श्रावित किया जाए जो ग्रंथियों द्वारा श्रावित किया जाए उसे क्या कहा जाता है उसे हम कह देते हैं हॉर्मोन एनी सब्सटेंस एनी सबस्टेंस सीक्रेटेड सीक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड उन्हें क्या कहा जाएगा उन्हें आप कह दोगे हॉर्मोन्स ठीक है ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई अगर इनके फंक्शन की बात की जाएगी इनके कार्य के काम की बात की जाएगी तो ये क्या कार्य करते हैं ये कार्य करते हैं किसका मैसेंजर का यानी कि ये क्या करते हैं ये सूचना लेके जाते हैं ये क्या करते हैं ये सूचना लेके जाते हैं जब भी किसी भी अंग को काम करना होता है आपके शरीर के किसी भी हिस्से को काम करना होता है तो वो सारी चीजें आपके पूरे शरीर का जो कंट्रोल है वो किसके पास है वो ब्रेन के पास है वो किसके पास है आपके मस्तिष्क के पास है और उसी मस्तिष्क के अंदर कुछ आपके ग्लैंड्स हैं कुछ ग्रंथियां हैं कुछ ग्लैंड्स हैं कुछ ग्रंथियां है। आपके हार्ट को जब बीट करना होगा आपका जब हार्ट बीट होगा तो क्या होगा आपका हार्ट बीट को हार्ट को कौन बताएगा कि बीट कर रहा है आपका ब्रेन बताएगा कैसे बताएगा वो अपना एक मैसेंजर भेजेगा वो अपना एक मैसेंजर भेजेगा और वो मैसेंजर कौन होता है हार्मोन अगर वो हार्मोन आपके हार्ट तक नहीं पहुंचा तो आपका हार्ट बीट नहीं करेगा आपके लंग्स तभी काम करेंगे जब आपका ब्रेन बताएगा और कैसे बताएगा अपना मैसेंजर भेज के और वो मैसेंजर कौन है हॉर्मोन और ये हॉर्मोन बना किसका होता है ये प्रोटीन का बना होता है तो हार्मोन क्या हो गया हार्मोन एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी ग्रंथि द्वारा श्रावित किया जाता है और हमारे मस्तिष्क की ग्रंथियों से शरीर के अंग तक सूचना लेके जाता है कि कब उन्हें कार्य करना है और कब उन्हें कार्य नहीं करना है यानी कि हार्मोन इज सब्सटेंस सीक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड विच एक्ट एज अ मेसेंजर टू कैरी द मैसेज वेदर द ऑर्गन टू एक्ट और नॉट ठीक है दूसरा अगर कोई पूछता है कि एंजाइम क्या होता है एंजाइम क्या होता है तो इसको भी आप बता देंगे कि ये भी क्या होता है ये शरीर के अलग अलग अंगों से श्रावित होता है अलग अलग अंगों से श्रावित होता है और इसका काम क्या है इसके मुख्य कार्य की अगर आप बात करोगे तो इसके मुख्य कार्य का काम क्या होता है इसका काम होता है पाचन क्रिया में सहायता करना इसका काम क्या है इसका काम है डाइजेशन और जब भी आपसे कहीं भी डाइजेशन वर्ड लिखा हो तो आपके समझ में आना चाहिए कि ये मदद करता है किसमें ब्रेकडाउन में तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है जैसे मम्मी और पापा दोनों बिल्कुल अलग अलग है ना फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल जाने की बात करें तो पापा कौन है जो हमें स्कूल लेके जाते हैं जो हमें अपने स्कूटर पे बिठा के स्कूल लेके जाते हैं और मम्मी कौन है मम्मी वो है जो हमें स्कूल के लिए खाना बना के देती है हमें तैयार करती है दोनों बने उन्ही पंच तत्वों से दोनों सेम चीजों से बने हुए हैं लेकिन दोनों का काम क्या है अलग अलग है दोनों आए भी अलग अलग जगह से हैं। पापा दादी के घर से आए हैं मम्मी नानी के घर से आई हैं। ठीक है तो सेम ऐसे एंजाइम और हार्मोन है दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं हार्मोन ग्रंथियों से आते हैं और एंजाइम किसी भी अन्य अंगों से आ सकते हैं दोनों का काम भी अलग है हार्मोन का काम है मैसेज लेके जाना एंजाइम का काम है फूड को ब्रेक डाउन करना लेकिन दोनों बने एक ही चीज से हैं और वो एक चीज क्या है हो, प्रोटीन वो एक चीज क्या है प्रोटीन ठीक है तीसरी आती है आपकी एंटीबॉडीज ये भी प्रोटीन की ही बनी होती है ये कहाँ बनती है ये बनती है लिम्फोसाइट से ये कहाँ स्रावित होती है ये बनती है लिम्फोसाइट्स में और अगर इनके कार्य की बात करोगे तो इनका कार्य क्या है इनका कार्य है जीवाणु विषाणु से लड़ना और हमें बचाना जीवाणु विषाणु से लड़के हमें बचाना ठीक है यानी कि ये हमारी बीमारियों से रक्षा करती है ये क्या करती है हमारी बीमारियों से रक्षा करती है हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाती है तो ये एक तीसरा काम हो गया ये एक तीसरा काम हो गया कि टील इंफोसाइट से बनते ये कहाँ बन रहे थे ये बन रहे थे ग्लैंड में ये बन रहे थे अदर ऑर्गन और में ये ऑर्गन में नहीं बनते ये सेल के अंदर बनते और कौन से सेल में बनते हैं टी इंफोसाइड में इसका काम क्या था मैसेंजर इसका काम क्या था ब्रेकडाउन और इसका काम क्या है इम्यूनिटी यानी कि आपकी बीमारियों से लड़ना ठीक है जल्दी से बताएंगे आप लोगों को ये तीनों चीजें क्लियर हो गई एंजाइम क्या होते हैं हॉर्मोन क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होती हैं तो आज हमें जिन पे फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है वो आपको फोकस करना है इन्हीं एंजाइम्स के ऊपर आपको किस पे फोकस करना है इन एंजाइम्स के ऊपर चलिए आगे देखते हैं ठीक है तो आज जो हम बात करेंगे वो इन्हीं की करेंगे अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी अब हम अपने इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं हम अपने इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं अलग अलग पार्ट में इन्हें बांट लिया जाता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स लिखे हुए हैं इन सभी ऑर्गन्स को हम दो अलग अलग भाग में बांट लेते हैं दो अलग अलग भाग कौन से हो जाते हैं एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नली आहार नली बोला जाता है इसे ठीक है तो आप जैसा कि देख सकते हो देखो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कौन सा एक होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नली और दूसरा होता है आपका ग्लैंड सिस्टम यानी कि ग्रंथी प्रणाली नाम से ही पता चल रहा है आहार नली आहार नली का मतलब क्या हो गया आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जहां जहां पे आहार यानी कि फूड जाएगा उसे आप क्या कह देते हैं उसे आप कह देते हैं आहार नली और जहां खाना नहीं जाता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है आपका ग्लैंड सिस्टम तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना खाना कहा जा रहा था माउथ में माउथ से ईसोफेगस में ईसोफेगस से स्टमक में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तो इन सब को हम एक ग्रुप के अंदर रखते हैं और वो एक ग्रुप क्या कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल वो एक ग्रुप क्या कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल और बचे हुए तीन कौन कौन से लिवर गॉल ब्लैडर और आपका क्या पेनक्रियाज इन्हें हम एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं और वो क्या कहलाता है आपका वो कहलाता है ग्लैंड सिस्टम तो देख सकते हैं आप माउथ ईसोफेगस यानी कि ग्रासनली अमाशे डिओडेनम जेजुनम इलियम ये तीनों छोटी आंत का हिस्सा होते हैं ये तीनों क्या है ये तीनों आपकी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और नीचे के जो तीन है सीकम कोलॉन रेक्टम एनस ये क्या है ये है आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है अब एक एक करके हम इन सारे ऑर्गन्स की बात करेंगे हम देखेंगे इनके अंदर खाना पचता कैसे सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की तो जब मैं माउथ की बात करती हूँ तो आपको माउथ के अंदर क्या क्या चीजें नजर आती हैं आप अपना मुंह देखिए इसको बकल कैविटी भी कहते हैं माउथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या नजर आएगा आपको नजर आएंगे दांत आपको नजर आएगी जीभ यानी कि टंग और उसके अंदर आपको दिखाई देगा क्या सलाइवा और क्या है वहां पे सलाइवा है तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी टीथ की तो टीथ देखिए अब सबसे पहले आप बात करेंगे ये रहा आपका माउथ तो यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है ये आपके टीथ है और ये क्या है ये टंग है ठीक है तो सबसे पहले टीथ से बनने वाले सवाल हम देखते हैं टीथ से आपसे पूछा जाता है कि बताइए ह्यूमन एडल्ट में कितने दांत होते हैं ये कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि बत्तीस दांत होते हैं ये हम सभी को पता होता है बच्चों की बातों पे आते हैं बच्चों के अंदर कितने दांत होते हैं तो आठ साल की उम्र तक बच्चों के मुंह में केवल बीस दांत निकलते हैं केवल बीस दांत निकलते हैं जिन्हें मिल्क टूथ या दूध के दांत भी कहा जाता है जिन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है और ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं आठ साल की उम्र तक सारे के सारे बीज दांत झड़ जाते हैं और इनकी जगह पे नए परमानेंट दांत आ जाते हैं नए क्या होते हैं परमानेंट दांत आते हैं और वो कितने होते हैं वो बत्तीस होते हैं अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि जरूरी नहीं है हर इंसान के मुंह में पूरे के पूरे बत्तीस दांत आए पूरे के पूरे बत्तीस दांत आए किसी किसी के मुंह में तीस या इकतीस भी रह जाते हैं सिर्फ बत्तीस परसेंट लोग ही ऐसे हैं दुनिया में जिनके मुंह में पूरे बत्तीस दांत आते हैं अदरवाइज सबके मुंह में पूरे बत्तीस दांत नहीं आते अब अगर मैं बात करूं इन बत्तीस दांतों की तो इन बत्तीस दांतों को हम चार कैटेगरी में डालते हैं ठीक है इन बत्तीस दांतों को हम क्या कहते हैं इन बत्तीस दांतों को चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है वो चार कैटेगरी कौन सी है आपके इंसीजर्स कैनाइन प्री मोलर्स और मोलर्स प्री मोलर और मोलर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आगे के चार दांत होते हैं ये जो आगे के चार दांत होते हैं इन्हें बोला जाता है क्या इन्हें बोला जाता है इंसीजर्स इन्हें आप क्या कहते हैं इन्हें आप कहते हैं इंसीजर्स कृंतक ठीक है इन्हें क्या कहा जाता है कृंतक ये आगे की तरफ लगे हुए दांत होते हैं जो कि थोड़े से चपटे और धारदार होते हैं और अगर इनके मेन फंक्शन की बात करोगे चार नीचे होते हैं चार ऊपर होते हैं टोटल ये इनसे कितने होते हैं आठ होते हैं टोटल कितने होते हैं ये आठ चार नीचे चार ऊपर और अगर इनके मेन फंक्शन की बात करोगे तो इनका मेन फंक्शन क्या है खाने को काटना टू बाइट द फूड इनका काम क्या होता है इनका काम होता है बाइटिंग का अमरूद कैसे काटते हो काटोगे पहले अमरूद को काटा जाता है ठीक है और अमरूद अगर आगे से नहीं कट रहा है बहुत ही कच्चा है तो फिर हम कहा से काटते हैं साइड में से काटते हैं फिर हम कहा से काटते हैं हल्का सा साइड में से काटते हैं और साइड में जो दांत होते हैं इन्हें कहा जाता है केनाइंस क्योंकि ये थोड़े ज्यादा शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है रदनक ये थोड़े से नोकीले होते हैं ये थोड़े ज्यादा धारदार और थोड़े ज्यादा नोकीले होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आगे के चार दांत थे इन्हें कहा जाता है क्या इन्हें कह देते हैं आप इंसीजर्स ये चार इंसीजर्स हैं ये क्या है ये इंसिजर्स है सॉरी दो नीचे दो ऊपर टोटल चार हैं ये एक डेंटल फॉर्मूला होता है आपका ठीक है आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि डेंटल dental... एक तो आपसे कई बार एग्जाम में डेंटल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है अगर एग्जाम में कभी भी डेंटल फार्मूला पूछा जा रहा है तो डेंटल फार्मूला का मतलब क्या होता है कि वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो चार टाइप के दांत हैं, कौन कौन से आपके इंसिजर्स कैंस प्रीमोलर्स एंड मोलर्स प्री मोलर्स एंड मोलर्स ये कितने ऊपर कितने होते हैं और नीचे कितने होते हैं जब हम इनकी पोजीशन और नंबर बता देते हैं जब हम इनकी पोजीशन और नंबर बता देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है उसी को कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला उसी को क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला ठीक है एक मिनट बच्चे माइक में थोड़ी सी दिक्कत थी उसी को क्या कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला और आपका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है टू वन टू थ्री बहुत आसान है याद रखना टू वन टू थ्री यानी कि सबसे पहले दो नीचे दो ऊपर दो नीचे दो ऊपर आपके कौन से होते हैं ये इंसिजर्स होते हैं उसके बाद साइड में एक साइड में एक एक ये क्या होते हैं ये होते हैं आपके कैनाइन साइड में क्या होते हैं आपके ये क्या है आपके कैनाइंस हैं साइड में एक एक आप देख सकते हैं ये क्या है आपके इसमें इमेज गलत बनी हुई है ये क्या है आपके कैनाइंस हैं उसके बाद फिर आप उनके बगल में दो देखेंगे तो वो कौन से होते हैं वो होते हैं आपके फिर प्रीमोलर्स जहां से आपके छोटे वाले जबड़े शुरू हो जाते हैं छोटे वाले जबड़े जो शुरू हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्री मोलर्स और लास्ट में जो है उन्हें क्या कहते हैं उन्हें आप कह देते हैं मोलर्स जो लास्ट में है उन्हें क्या कहा जाता है मोलर्स तो सबसे पहले अगर हम इंसिजर्स या कृंतक की बात करेंगे आगे के जो दो दांत है और नीचे के जो दो दांत है इनका काम क्या है खाने को काटने का इनके साइड में जो दांत है इनके साइड में जो एक एक दांत है उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है आपके केनाइंस तो आप देख सकते हो देखो पूरे मुंह को इस तरीके से डिवाइड कर दो पूरे मुंह को आपने क्या किया चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया पूरे हिस्से पूरे मुंह को आपने क्या किया चार हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया तो यहाँ आप देख सकते हो ये रहे आपके ये क्या है ये दोनों इंसिजर्स हैं ये दोनों क्या है इंसिजर्स हैं इनके बगल में एक दांत होता है इसे क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है केनाइन इसे क्या बोल देते हो ये जो एक दांत दिख रहा है ये कौन सा है आपका केनाइन इसके बाद आप देखेंगे आपके दो छोटे छोटे जबड़े होते हैं छो, दो छोटे छोटे जबड़े होते हैं इन्हें बोला जाता है प्रीमोलर्स और बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल लास्ट में आपके तीन बड़े बड़े जबड़े होते हैं और इन तीन बड़े जबड़ों को क्या बोला जाता है मोलर्स तो आधे हिस्से में मुंह के आधे हिस्से में ये दांत हो गए और फिर बचे हुए आधे हिस्से में यही रिपीट करेंगे यही रिपीट करेंगे फिर आपके क्या होंगे फिर दो इंसीजर्स होंगे इन दो इंसीजर्स के बगल में क्या होगा एक कैनाइन होगा ठीक है इन कैनाइंस के, के बगल में क्या होंगे दो प्री मोलर्स होंगे यानी कि अर्घ होंगे और इनके पीछे क्या होंगे आपके तीन मोलर होंगे बड़े जबड़े होंगे यहां तो पेन भी नहीं काम कर रहा ठीक है ये होंगे तो यहाँ अगर आप टोटल काउंट करते हैं अब अगर आप टोटल काउंट करते हो तो देखो आपके टोटल इंसीजर्स ऊपर कितने हो गए चार केनाइंस की अगर आप बात करते हैं तो एक यहां पे एक यहां पे यानी कि टोटल कैनाइंस कितने हो गए आपके दो उसके बाद अगर आप प्री मोलर्स देखेंगे तो दो प्रीमोलर इस तरफ दो प्री मोलर इस तरफ यानी कि प्री मोलर कितने हो गए आपके चार और मोलर्स की अगर आप बात करोगे तो तीन इधर और तीन इधर टोटल कितने हो गए छे तो अगर आप गिनते हैं छह और चार दस दस और दो कितने हो गए बारह बारह और चार कितने हो गए सोलह तो ऊपर के हिस्से में जैसे सोलह दांत ये हैं सेम ऐसे ही रिपीटिशन नीचे होता है और सोलह और सोलह मिला के आपके कितने हो जाते हैं बत्तीस सोलह और सोलह मिला के आपके कितने हो जाते हैं बत्तीस तो इस तरीके से आपके मुंह में दांतों को प्लेस किया गया है मेन जो आप लोगों को चीज याद रखनी है वो क्या याद रखना है एक तो ये डेंटल फार्मूला एक तो आपको डेंटल फार्मूला याद रखना और वो डेंटल फार्मूला क्या होता है टू वन टू थ्री और दूसरे आपको इनके टाइप्स याद रखने की दांत कितने प्रकार के होते हैं तो उन दांतों के प्रकार में आप बता देंगे चार तरीके के होते हैं कौन कौन से इंसिजर्स यानी कि के कृंतक कैनाइंस यानी कि रदनक प्री मोलर्स एंड मोलर्स यानी कि चरवड़क और अर्घ चरवड़क ठीक है चलिए आगे देखिए इन्हीं दांतों के ऊपर इन्हीं दांतों के ऊपर एक सबसे बाहर की तरफ ही। मैंने हड्डियों में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि इन दांतों में सबसे बाहर की तरफ एक वाइट कलर की लेयर लगी हुई होती है इन दांतों में सबसे बाहर की तरफ एक वाइट कलर की लेयर लगी हुई होती है जो कि आपके शरीर की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि आपके पूरे शरीर का क्या होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है इनामल यहाँ भल लिखा हुआ है इनामल नहीं होगा इनामल होगा इनेमल उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है इनेमल तो अगर इनेमल पूछा जाए कि इनेमल बनी किसकी होती है तो ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है ये किसकी बनी होती है कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस को मिला के ये बनी हुई होती है ये कैल्शियम फॉस्फेट की एक लेयर है जो कि आपके शरीर के सबसे सख्त जो कि आपके शरीर का सबसे सख्त पदार्थ है ठीक है चलिए नेक्स्ट आपको टंग के अंदर सिर्फ ये याद रखना होता है कि आपकी पूरी जीभ पे स्वाद कहाँ पे कौन सा स्वाद पता लगता है तो सबसे पहले जो स्वीट टेस्ट की बात है जो सबसे पहले अगर आप स्वीट टेस्ट की बात करोगे तो स्वीट आपको हमेशा सिर्फ कहा महसूस होगा यहाँ टिप पे जीभ की बिल्कुल टिप पे आपको मीठा स्वाद आता है अगर आप कोई मीठी चीज बिल्कुल पीछे रख के खा लेंगे तो आपको कभी भी उसकी मिठास का पता नहीं लगेगा सॉल्टी टेस्ट कहाँ पे आता है यहाँ साइड में आगे की तरफ सार यानी कि खट्टे टेस्ट की बात करोगे तो खट्टा आपको कहाँ पता लगता है खट्टा साइड में पीछे की तरफ और बिटर यानी कि कड़वा कहाँ पता लगता है कड़वा पता लगता है बिल्कुल पीछे की तरफ और देखिए हम कितनी बड़ी गलती करते हैं और ये जो पूरा बीच का रीजन है ये जो पूरा बीच का रीजन है ये कैसा होता है ये होता है स्वादहीन ये कैसा होता है ये होता है स्वादहीन यानी कि टेस्टलेस तो देखो दवाइयां कैसी होती है दवाइयाँ कैसी होती हैं कड़वी होती हैं और कड़वी चीज को जब भी हमें खाना होता है कड़वी चीज को हमें जब भी खाना होगा तो आपको क्या करना चाहिए जीभ पे आगे यहाँ की ही इस हिस्से में रख लो दवाई को क्या करो उसे कहीं आगे इस हिस्से में रख लो और सीधे पानी के साथ गटक जाओ ताकि इस वाले रीजन में अगर दवाई पहुंचेगी नहीं तो आपको कड़वी भी नहीं लगेगी पर हम उसका उल्टा काम करते हैं जहां दवाई का सबसे ज्यादा टेस्ट हमें हिट करेगा कड़वापन जहां जब सबसे ज्यादा आपको महसूस होगा हम सीधे उसी जगह पे ले जाके एकदम पीछे अपनी दवाई रखते हैं और फिर गिन -गिना के उसे सटक लेते हैं तो वहां दवाई रखनी नहीं दवाई रखनी है तो बीच में रखो जहाँ पे किसी टेस्ट का पता ही नहीं लगता बिल्कुल सेंटर में अपनी दवाई रखो और उसे खा जाओ है ना चलिए आगे देखिए तो डेली अगर आप देखिए तो तो दे तो एक दांत एक एक नहीं आया है मैंने कहा ना सबके अंदर पूरे बत्ते दांत नहीं होते हैं ये जो लास्ट की अक्कल दाढ़ होती है ना ये जो लास्ट की अक्कल दाढ़ होती है थर्ड मोलर जो है मतलब बिल्कुल लास्ट वाले जो दांत है ये सबके मुंह में नहीं आते हैं, किसी के में आते हैं किसी के में नहीं आते हैं तो जिसके मुंह में नहीं आते हैं या अगर एक ही तरफ आके रह गए दाढ़ दूसरी तरफ आई ही नहीं तो उसके मुंह में क्या होगा उसके मुंह में इकतीस दी रह जाएंगे तो अगर मेरी कोई जुड़वा बहन होती है और मेरे मुंह में इस तरह की दाढ़ नहीं आई है तो उसके मुंह में भी इस तरह की दाढ़ नहीं आएगी उसके मुंह में भी इस तरफ की दाढ़ नहीं आएगी वुमेन आर फाउंड टू हैव मोर फ्लेवर बर्ड्स देन मेन महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्वाद कलिकाएं पाई जाती पाई जाती है अगर आप अपनी जीप देखेंगे ना तो हमारी जीप बहुत ही खुरदुरी सी होती है जीप अगर निकाल के देखोगे जूम करके देखोगे तो जीप बहुत ही खुरदुरी है उस जीभ के ऊपर पतली पतली पाइप जैसी कोई चीज खड़ी रहती है ये रोए जैसे खड़े रहते हैं वो क्या होते हैं वो होते हैं आपके टेस्ट टेस्टबर्ड तो महिलाओं में वो टेस्ट टेस्टबर्ड की संख्या ज्यादा होती है उन्हें स्वाद का ज्यादा पता लगता है एज कंपेयर टू मैन लेकिन फिर भी पुरुषों की आदत होती है कि महिलाओं के बने हुए खाने में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं नेक्स्ट देखिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से मैमल में कौन से मैमल की सबसे लंबी जीभ होती है सारे स्तनधारी जानवरों में सबसे ज्यादा लंबी जीव सबसे बड़ी जीभ किसकी है तो आप किसकी बता देंगे ब्लू वेल की इनफैक्ट सबसे बड़ा मैमल ही यही है सबसे बड़ा मैमल भी यही है और सबसे लंबी जीभ भी इसी की होती है ठीक है चलिए अब बात करते हैं अब ये तो इनकी बारे में नॉर्मल जानकारी थी अब हम आ जाते हैं अपने डाइजेशन के ऊपर तो अब आपने क्या किया एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सीधे उसे अपने आप, आपने क्या किया उसे खा लिया अब आप जैसे ही उसे खाते हैं तो आपके मुंह के अंदर बहुत सारी लार होती है आपके मुंह के अंदर क्या होती है बहुत सारी लार मौजूद होती है और आपका सारा खाना क्या होता है उस लार के साथ मिक्स हो जाता है तो आपने क्या किया आपने सबसे पहले खाना क्या खाया आपने खाया खाना और वो खाना वो खाना जब आपकी लार के साथ आपके मुंह के अंदर मिक्स हो जाता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं उसको कहा जाता है बोलस उसको क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है बोलस तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज बोलस तो व्हेन द फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा थ्रू टंग जब आपकी जीभ आपके खाने को लार के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना देती है तो उस पेस्ट को क्या कहा जाता है बोलस कहा जाता है अब उस बोलस के अंदर होगा डाइजेशन का काम कैसे आपके सलाइवा यानी कि इस लार के अंदर आपके इस लार के अंदर क्या था एक एंजाइम था जिसका नाम क्या था सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम था जि जिसका नाम क्या था सलाइवरी अमाइलेज यहां से आपका डाइजेशन शुरू होगा और आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया था आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया था उसको ये आपका सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट कर देगा किसमें? में सेक्राइड में वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर ओलाइगो सेक्राइड में यहां से तो डाइजेशन शुरू हुआ आपके माउथ में सलाइवरी एमाइलेज के अलावा लाइजोजाइम्स भी होते हैं लाइजोजाइम्स भी होते हैं लाइजोजाइन ये लाइजोजाइन क्या होते हैं इन्हें बोला जाता है ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट है यानी कि किसके विरुद्ध में काम करते हैं ये आपके जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं आपने देखा कहीं पे भी अगर चोट लग जाए कहीं पे भी चोट लग जाए हमारी चोट को तो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं विटाडिन लगाते हैं बैंडेज कराते हैं पट्टी मरम कराते हैं और कुछ नहीं तो एक रुपये दो रुपए वाली खरीद के वाटरप्रूफ बैंडेज लगा लेते हैं हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन क्या जानवरों को जब चोट लगती है तो वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं आप देखना वो उल्टा उसे चाटना शुरू कर देते हैं और चाटते चाटते ही उनकी जो वो चोट है वो क्या हो जाती है वो सही हो जाती है क्यों सही हो जाती है क्योंकि उनके उस लार के अंदर क्या प्रेजेंट था ये लाइजो जाइम प्रेजेंट था जो उस चोट के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा था उसे सड़ने नहीं दे रहा था उस चोट को खराब नहीं होने दे रहा था तो ये क्या करती है इस लार से उसकी वो चोट क्या होती है सही हो जाती है आप देखिएगा कभी अगर आपने अपनी गली में कुत्ते भी देखे होंगे तो अगर उसके किसी ऐसी जगह पे चोट लगी है या किसी दूसरे कुत्ते ने खाट खाया है जहां वो चाट सकता है अपनी लार लगा सकता है वो चोट जल्दी सही हो जाती है लेकिन अगर उसके सर पे चोट लग जाए उसके कान पे चोट लग जाए या उसकी पूंछ पे चोट लग जाए तो वहां क्योंकि वो लार नहीं लगा सकता तो उन जगहों पे लगने वाली चोट क्या होती है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक खिंच जाती है और सड़ती भी रहती है धीरे धीरे उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं तो वो किसकी कमी से होता है लार की कमी से होता है तो लार चोट को ठीक करने का काम करती है कैसे क्योंकि उसके अंदर क्या है एंटी बैक्टीरियल एजेंट होते हैं तो फिलहाल अभी अगर डाइजेशन की बात की जाए तो डाइजेशन आपका एक ही हुआ है और वो क्या हुआ है आपके मुंह के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट थे वो क्या हो चुके हैं ओलोइो में कन्वर्ट हो चुके हैं यानी कि आपके माउथ के अंदर ही आपकी जो डाइजेशन है यानी कि आपके पाचन की जो क्रिया है वो क्या हो चुकी है प्रारंभ हो चुकी है शुरू हो चुकी है अब देखिए यहाँ से फिर वो जो आपका खाना है वो खाना जाएगा सीधे कहा के अंदर. वो खाना कहा जाएगा सीधे ईसोफेगस के अंदर और ईसोफेगस में क्या होगा वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी डाइजेशन नहीं होता है आपके पूरे ईसोफेगस में यानी कि इस गले में डाइजेशन की कोई भी क्रिया नहीं होती है वहां केवल आपके जो ये गले की मसल्स हैं ये ऐसे सिकुड़ेंगी कॉन्ट्रैक्ट होंगे रिलैक्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगी रिलैक्स होंगी, होंगी, होंगी और धीरे धीरे खाने को कहाँ ले जाएंगी नीचे की तरफ ले जाएंगी तो अगर मैं ग्रास नली की बात करूं तो ग्रास नली का केवल एक ही काम है इस ग्रास नली का केवल एक ही काम है कि ये आपके माउथ को यानी कि मुख गुहा को कनेक्ट कर रही है किसके साथ आपके उधर गुहा के साथ आपके पेट के साथ तो आपके यहाँ पे यानी कि आपके ईसोफेगस में डाइजेशन का कोई काम नहीं होता है ये सिर्फ खाने को क्या करती है नीचे की तरफ भेजती है और जब आपकी मसल्स जब आपकी मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके आपके गले की फूड पाइप की मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके खाने को नीचे की तरफ पुश करती है खाने को नीचे की तरफ पुश करती है तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है पेरीस्टिस उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है पेरीस्टाल ठीक है तो अगर पूछा जाएगा पेरिस्टालसिस की क्रिया यानी कि पेरिस्टालसिस प्रोसेस कहां पे होता है तो आप क्या बता देंगे वो होता है आपकी ग्रास नली में यानी कि आपके ईसो फेगस के पाइप के अंदर और ये पेरिस्टाइलिस होता है क्या है आपके गले की मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना यानी कि आपके खाने को नीचे की तरफ धक्का देना ठीक है नेक्स्ट आते हैं फिर उसके बाद अब आपका खाना माउथ और आपके फूड पाइप से होता हुआ सीधे कहां पहुंचा तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे आपका खाली वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है ध्वनि का बक्सा होता है जो आवाज निकालने में मदद करता है जिसे एडम एप्पल भी बोला जाता है यहाँ पे सिर्फ एक ही काम हो रहा है यहाँ पे पेरिस्टाइलिस नामक की क्रिया होती है जो भोजन को नीचे धकेलने का काम करती है अब यानी कि आपके पेरिस्टाइलिस से होता हुआ सारा खाना आ गया कहा आपके स्टमक में अब स्टमक के अंदर भी आपके क्या है कुछ ग्लैंड है कुछ ग्रंथिया है। कुछ ग्लैंड है कुछ ग्रंथिया है जिसका नाम क्या होता है उसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड कुछ ग्रंथि है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड और यहाँ से भी क्या होगा यहां से भी आपका एक लिक्विड निकलेगा जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस जिसे आप क्या कह देते हैं जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस तो पेट के अंदर मौजूद आपकी ये जठर ग्रंथि पेट के अंदर मौजूद आपकी ये जठर ग्रंथि क्या करती है इसके अंदर से एक द्रव्य पदार्थ निकलता है जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें होती हैं एक तो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर होता है पेप्सिन नाम का एक एंजाइम और एक रेनिन नाम का एंजाइम दोनों एंजाइम के अलग अलग काम है आप जब दूध पीते हैं तो दूध के अंदर मैंने कल जब प्रोटीन पढ़ाया था तब आपको बताया था जब आप दूध पीते हैं तो दूध के अंदर आपका केसीन और वे प्रोटीन नाम के दो प्रोटीन होते हैं केसीन और वे नाम के दो प्रोटीन होते हैं उन दोनों प्रोटीन को पचाने का काम किसका है रेनिन का उन दोनों को पचाने का काम किसका है रेनिन का है इस दूध के अलावा आप कोई भी प्रोटीन खाते हो चाहे दाल से खा रहे हो चाहे सोयाबीन से खा रहे हो चाहे मूंगफली से मिलने वाला प्रोटीन खा रहे हो आप कोई भी प्रोटीन खा रहे हो उसे पचाने का काम किसका है उसको पचाने का काम पेप्सिन का है तो पेप्सिन क्या करता है पेप्सिन क्या करता है आपके शरीर में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है यानी कि यह प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें पेप्टोन्स में प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर पेप्टोन के अंदर तो ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है चलिए मैं आपको चार ऑप्शन दे रही हूं और एक सवाल पूछती हूँ मान लीजिए आपको चार ऑप्शन दिए गए माउथ मुख गुहा इसोफेगस ओ साइलेंट होता है ईसोफेगस मत कहिएगा ग्रास नली स्टमक उधर गुहा या आमाशय None of these. उपरोक्त में से कोई भी नहीं तो जल्दी से मुझे बताएंगे सबसे पहले बताइए अगर आपसे पूछा जाता है फ्रॉम डू डाइजेशन जल्दी से बताइए पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है आप क्या बताएंगे माउथ से ईसोफेगस से स्टमक से या इनमें से कहीं से भी नहीं छोटी आंत या कहीं और से शुरू होती है जल्दी से बताइए पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है फ्रॉम वेयर डू डाइजेशन स्टार्ट क्या बताएंगे डाइजेशन कहाँ शुरू होता है डाइजेशन शुरू होता है आपके माउथ से लेकिन वही अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होता है जल्दी से बताएंगे प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है आप क्या बताएंगे प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है पूरे डाइजेशन की बात की गई तो आपने माउथ बता दिया लेकिन वहीं अगर मैं पूछूं कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है तो आप क्या बताएंगे चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है अभी भी बहुत बच्चों ने गड़बड़ कर दी यूसोफेगस में तो डाइजेशन ही नहीं होता अभी भी देखो 25 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि यूसोफेगस में यानी कि गले में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है बाबा प्रोटीन में तो डाइजेशन ही नहीं हो रहा था तो प्रोटीन का डाइजेशन कहा शुरू होता है प्रोटीन का डाइजेशन आपके स्टमक से शुरू होता है ठीक है अब बच्चा आपका क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका काम क्या है अच्छा मुझे एक बात बताइए कमेंट करके मुझे बताएंगे आपको क्या लगता है मैंने बताया हमारे पेट के अंदर दो एंजाइम थे हमारे पेट के अंदर दो एंजाइम थे एक पेप्सिन और एक रेनिन अगर मैं आपसे पूछू की जो एक छोटा बच्चा होता है नवजात शिशु होता है उसके पेट में कौन सा एंजाइम ज्यादा मात्रा में पाया जाता होगा तो कौन सा एंजाइम होगा से बताइए एक छोटे बच्चे के एक छोटे बच्चे के पेट में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा वेरी गुड एक छोटे बच्चे के पेट में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा रेनिन क्योंकि उसका इंटेक ज्यादा किसका है वो ज्यादा क्या पीता है दूध पीता है और दूध पीने वाले बच्चे के पेट में क्या पाया जाता है फिर रेनिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो रेनिन का मुझे काम समझ में आ गया कि वो दूध पचाने का काम कर रहा है पेप्सिन का मुझे काम समझ में आ गया कि वो बाकी अन्य प्रोटीन को बचाने का काम कर रहा है तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर आप बात करेंगे तो आपका जो ये पेप्सिन है आपके पेट में जो ये पेप्सिन है ये डायरेक्टली ऐसे ही नहीं बनता है है ना क्योंकि देखो कोई भी ना फालतू में काम नहीं करना चाहता कोई भी फालतू में काम नहीं करना चाहता मान लो मेरे घर में कोई भी नहीं है मेरे घर में कोई भी नहीं है तो क्या मैं जबरदस्ती उठ के बहुत सारे पकवान बनाऊंगी खाना बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी मैं तो बैठी रहूंगी लेकिन जैसे ही कोई घर में आएगा फिर मैं फटाफट इधर उन्हें बातों में लगाऊंगी और उनके लिए खाना बना के रख दूंगी तो वही चीज यहाँ पे होती है कि जब प्रोटीन आप खाओगे ही नहीं तो पेप्सिन जबरदस्ती थोड़ी काम करता रहेगा वो अपनी एक इनएक्टिव स्टेज में रहता है पेप्सिन क्या होता है अपनी एक इनएक्टिव स्टेज में रहता है अपनी अक्रिय अवस्था में रहता है और पेप्सिन की इसी अक्रिय अवस्था को इसी अक्रिय अवस्था को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है पेप्सिनोजेन इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है पेप्सिनोजेन ठीक है और उसके बाद क्या होगा जैसे ही मैं प्रोटीन खाऊंगी जैसे ही मैं प्रोटीन खाऊंगी तो भागा भागा फिर ये एच सी एल आएगा और वो क्या करेगा इस पेप्सिनोजेन को अक्रिय अवस्था से किस अवस्था में ले आएगा क्रियाशील अवस्था में ले आएगा और इसकी यही क्रियाशील अवस्था यानी कि इसी की एक्टिव स्टेट क्या कहलाती है पेप्सिन तो अगर कोई पूछे कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम बस इतना है कि उसे एंजाइम को जगाना है कि हमने प्रोटीन खाया उठो अब अपने काम पे लग जाओ तो मेन काम करना प्रोटीन का है लेकिन उसे जगाने का काम उसे एक्टिव करने का काम का का किसका है पेप्सिन का है ठीक है अरे उसको पचा उसको एक्टिव करने का काम का किसका है एच का है चलिए तो ये हो गया क्या आपका आपके स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं अब आपके पेट के अंदर मौजूद जो ये एच है ये एच बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से आता है बहुत ही प्रबल अम्ल में आता है अगर ये बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपके पेट में प्रेजेंट होगा ना तो आप बचेंगे ही नहीं आप तो जल मतलब पेट ही खराब हो जाएगा सारे ऑर्गन ही डैमेज हो जाएंगे इस एच में 99% से भी ज्यादा पानी होता है इसके अंदर निन्यानबे से भी ज्यादा पानी है एक परसेंट से भी कम जीरो पॉइंट नाइन परसेंट केवल एच होता है और जब हम इसके अंदर जीरो पॉइंट नाइन परसेंट एच में निन्यानबे परसेंट पानी मिला देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है उसी को हम कह देते हैं फिर क्या न्यूरेटिक एसिड तो अगर आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपके पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है और अगर आपके ऑप्शन में एच भी है और न्यूराटिक एसिड भी है एच भी है और न्यूराटिक एसिड भी है तो आप क्या बताएंगे आप बताएंगे आपके पेट में न्यूराटिक एसिड पाया जाता है क्योंकि अगर एच बोल दोगे तो फिर तो आपका पेट भस्मी हो जाएगा तो पेट में एच में जल मिला हुआ है और जल मिले हुए उसी एच को क्या नाम दिया गया है म्यूराटिक एसिड इसका पीएच कितना होता है ओरिजिनल एच का 1.2 होता है पीएच लेकिन उसके अंदर क्या मिला हुआ है पानी मिला हुआ है तो वो वीक हो जाता है वो वीक हो जाता है वो आपको नुकसान नहीं करता है इस एच सी एल का काम क्या है पेप्सिनोजेन पेप्सिन एंजाइम। ये आपके पेट में क्या करता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन एंजाइम में सक्रिय कर देता है ठीक है और बाकी रहा कि एच सी एल प्रेजेंट भी है तो वो आपको नुकसान ना पहुंचाए इसीलिए आपके पेट के अंदर क्या होता है ये आपका पेट है ना ये आपका माउथ है माउथ से ये आपका ईसो है ये आपका स्टमक है ठीक है तो आपके इसी स्टमक के यहाँ पे ना अंदर की तरफ एक पतली सी लेयर बनी हुई होती है किसकी इसे कहा जाता है म्यूकस ये सेम बिल्कुल वैसा होता है जैसे आपके नाक के अंदर होता है ना नाक के अंदर एक जली जैसा सबसे नाक के अंदर रहता है कि धूल अंदर ना जाए जो कि सूख के बाद में पपड़ी सी भी बन जाता है सेम ऐसे ही आपके पेट के अंदर भी नाक के भी उस सब्सटेंस को म्यूकस ही कहा जाता है और पेट के अंदर जो प्रेजेंट है उसको भी म्यूकस ही कहते हैं तो यहाँ पे आपके पूरे पेट के ऊपर ना एक कवरिंग सी बनी हुई है किसकी म्यूकस की जो कि क्या करती है जो कि क्या करती है आपके एच को आपके एच को कभी भी यहाँ लाल वाले पेट के संपर्क में आने नहीं देती तो अगर पूछा जाएगा कि आपके पेट को आपके पेट को इस एच से कौन बचाता है तो आप बता देंगे म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम एसिड एंड एंजाइम ये म्यूकस नाम का द्रव्य पदार्थ अर्ध द्रव्य पदार्थ क्या करता है आपके पेट को बचा के रखता है अगर किसी भी कारण से अगर किसी भी कारण से आपके पेट में ये एच की मात्रा ज्यादा हो गई तो वो क्या करती है वो एसिडिटी बढ़ा देती है और उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए आप इनो या डाइजीन पीते हैं जिसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है ठीक है तो आप देखिए तो देखिए ये आपका क्या था ये मुंह से आपका खाना था जो कि सीधे गले में नीचे आया था यहां आपका ये माउथ था माउथ से फिर आपका खाना आया था कहा यहां ग्रास नली में यानी कि आपके फूड पाइप या के अंदर वहां से फिर ये खाना पहुंचा था कहा सीधे आपके स्टमक के अंदर कहा पहुंचा स्टमक के अंदर ये क्या है आपका स्टमक स्टमक के अंदर क्या था रेनिन नाम का एक एंजाइम था जिसने आपके प्रोटीन को क्या किया था पेप्टोन्स में बदल दिया था प्रोटीन को बदल दिया था किसमें पेप्टोन्स में अब देखो यहाँ पे आपका एक ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है जिसे कहा जाता है लिवर यही पे आपका एक ऑर्गन जुड़ा हुआ है इसी तरीके का जो कि क्या है आपका लिवर यानी कि यकृत अब खाना जो है अब आपका खाना इस लिवर के अंदर तो जाता नहीं अब आपका खाना इस लीवर के अंदर तो जाता नहीं पर इस लिवर के अंदर बन रहा है क्या आपका पित्त रस यहाँ क्या बनता है यहां बनता है आपका बाइल जूस यानी कि पित्त रस और इस पित्त रस का काम क्या है इस पित्त रस का काम है ये हेल्प करेगा किसमें इन द डाइजेशन ऑफ फैट ये किसमें मदद करेगा ये मदद करेगा वसा को पचाने में लेकिन अब खाना तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा जब खाना यहाँ पे नहीं आ रहा और इसे फैट को पचाना है तो ये लिवर बहुत ही चालाकी से क्या करता है इस लीवर को पता है कि जो भी आपने खाना खाया इस लिवर को पता है कि जो भी आप खाना खा रहे हो वो पेट के अंदर गया और पेट के अंदर से यहां से होता हुआ नीचे जाएगा यहां से होता हुआ नीचे जाएगा तो ये लिवर क्या करता है अपने अंदर बनने वाले इस बाइल जूस को धीरे से इस नली के अंदर डाल देता है इस नली के अंदर डाल देता है और ये क्या है यहां से आपकी छोटी आंत शुरू हो जाती है यानी कि यहां से आपकी अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो चुकी है और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा है इस स्टार्टिंग के हिस्से को कहा जाता है डिओडिनम इसे क्या कहा जाता है डिओडिनम तो आपकी छोटी आंत का बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा है छोटी आंत का का बिल्कुल स्टार्टिंग हिस्सा है तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाइल जूस बनता कहाँ पे पितरस कहाँ बनता है तो आप क्या बता देंगे पितरस कहां बन रहा है आपका पितरस बनता है यकृत के अंदर लिवर के अंदर ये बनता रहता है और उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि स्टोर कहाँ पे होता है तो यहाँ पे ना आपका एक छोटा सा बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है गोल ब्लेडर इसे क्या कहते हैं गोल ब्लेडर या पिताशय तो जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो सारा बाइल जूस आपका यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो तीन चीजें पता लगी हमें बाइल जूस बनता कहाँ है लिवर में एक्स्ट्रा वाला इकट्ठा कहाँ होता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की, पित की थैली में पिताशय में और फिर अगर पूछा जाएगा लेकिन वो डाइजेशन का काम कहाँ पे करता है तो डाइजेशन का काम या तो आप बताएंगे छोटी आंत में करता है या फिर वो कहाँ करता है इस डिओडिनम के अंदर करता है यहाँ पे कहाँ करेगा डिओडिनम के अंदर करेगा छोटी आंत में करेगा ठीक है तो देखिए तो लीवर जो है ये आपका सबसे बड़ा ग्लैंड है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है जिसका वजन होता है डेढ़ किलो इस क्योंकि ग्रंथी है तो अपने अंदर से कोई ना कोई लिक्विड भी बनाएगी कोई ना कोई द्रव्य पदार्थ भी श्रावित करेगी और इसके अंदर से बनने वाले लिक्विड का नाम क्या है इसके अंदर से बनने वाले इसी लिक्विड का नाम होता है रस इसे क्या कहा जाता है इसे आप कहते हैं पित्तरस ठीक है पित रस। पित्तरस का अगर काम पूछा जाएगा तो पित्तरस का मुख्य कार्य क्या होता है पित्तरस का मेन काम क्या है का काम है भोजन को छारिय बनाना पहली बात जो पेट में सारा एसिड था उसने खाने को क्या कर दिया था एसिडिक कर दिया था अम्लीय कर दिया था अब ये पित्तरस उसे क्या करेगा छारिय करके उदासीन बना देगा न्यूट्रल कर देगा और दूसरा काम क्या है यहाँ पे ये वसा को पचाने का काम करेगा आपके फैट को जो आपने फैट खाया था उस फैट को कन्वर्ट कर देगा किसमें ट्राइग्लिसराइड में उस फैट को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर ट्राइग्लिसराइड के अंदर इतना बताइए यहाँ तक जो मैंने बात बताई है वो क्लियर है यहाँ तक जो मैंने बात बताई है उतनी क्लियर है तो देखिए अगर मैं आपसे पूछू डाइजेशन में हम क्या कर रहे थे मेन काम क्या था हमारा डाइजेशन का उसको ब्रेक डाउन करना मेन काम क्या था खाने को ब्रेक डाउन करना तो पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछती हूँ डाइजेशन कहाँ शुरू होता है आपने कहा माउथ में और माउथ में डाइजेशन का कौन सा पार्ट हुआ तो आप बता देंगे माउथ के अंदर माउथ के अंदर एक सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम था माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज इस सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया पॉलीसेक्राइड को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर ओलाइगोसेक्राइड में और ये काम कहां पे हुआ माउथ के अंदर मुंह के अंदर फिर उसके बाद मुंह से खाना आया गले में कोई डाइजेशन नहीं हुआ खाना सीधे आ गया कहा पेट में कहा आया खाना सीधा पेट में और वहां पे क्या बना आपका जठर रस गैस्ट्रिक ग्लैंड सॉरी गैस्ट्रिक जूस उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट था कौन सा पेप्सिन एंजाइम? कहां स्टमक के अंदर और उस पेप्सिन एंजाइम ने क्या किया आपके पॉलीपेप्टाइड को यानी कि प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर पेप्टोन्स में प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया किसमें पेप्टोन में इसी पेट के साइड में था आपका लिवर इसी पेट के साइड में क्या था आपका लिवर था आपका यकृत था वहां पे क्या बना वहां बना आपका बाइल जूस वहां पे क्या बना आपका बाइल जूस यानी कि पित्त रस उसने क्या किया आपके उसने लिवर ने ये सारा बाइल जूस बनाया और उसे भेज दिया कहा डिओडिनम के अंदर उसे कहां भेज दिया आपकी छोटी आंत के अंदर और वहां पे आपका जितना भी फैट था वो फैट सारा कन्वर्ट हो गया किसमें ट्राइग्लिसराइड में वो सारा कन्वर्ट हो गया कहां ट्राइग्लिसराइड में तो पाचन क्रिया की इतनी बात समझ में आई कि आपका डाइजेशन यहां तक पहुंच चुका है आपका डाइजेशन यहां तक पहुंच चुका है तो आपके खाने के आने की हर चीज आपकी थोड़ी-थोड़ी डाइजेस्ट होनी शुरू हो चुकी है आपकी सारा खाना जो है पथरी माही अभी बताती हूँ पथरी चलिए तो दो क्वेश्चन आए हमारे पास एक तो था कि मैम पत्थरी क्यों होती है माही पूछ रही है और पूजा पूछ रही है मैम फैटी लिवर क्यों होता है ठीक है और मैम जब हटा देते हैं तो बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है ठीक है पूजा ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि जब हम पित्त की थैली को हटा देते हैं तो ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है चलिए तो देखिए अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वापस आते हैं तो देखो पहला सवाल पूजा का का था था फैटी क्या होता है लिवर पे अभी मैं माही क्वेश्चन मैम क्यों होती है आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है और जब आप टमाटर खाते हैं तो कभी कभी आपके शरीर का ठीक से ना काम कर पाने की वजह से अपेंडिक्स भी अविनाश बताऊंगी ठीक है मेरा गॉल ब्लेडर रिमूव कर दिया कोई बात नहीं अभी बताऊंगी कॉल ब्लड रिमूव करते ही क्या होता है चलिए तो वो क्या हुआ आपने क्या किया जब आप ऑग्जालिक एसिड आप खाते हैं टमाटर खाते हैं तो उसमें से जो ऑक्जालिक एसिड है वो आपके ब्लड में मौजूद कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइलेट और क्या बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइलेट बना लेता है ये क्या हो गया और वो क्या है? वो बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइलेट और वो पथरी के फॉर्म में आपके गॉल ब्लेडर के अंदर क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है ठीक है आपके लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है और लीवर से फिर वो धीरे धीरे पहुंच जाता है कहां आपके गॉल ब्लेडर में जब बाइल जूस जाता है ना तो बाइल जूस के साथ साथ वो पहुंच जाता है आपकी पित्त की थैली में और वहां से निकालना फिर उसे मुश्किल होता है वहां से निकालना उसे मुश्किल होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं आपके उस गोल ब्लेडर को रिमूव कर देते हैं और जब आपके उस पित्त की थैली को निकाल देते हैं तब वो आपसे कह देते हैं इस बात को कि अब आप तला भुना चिकनाई वाला खाना ज्यादा मत खाना क्यों मत खाना क्योंकि अब आपका शरीर सिर्फ उतना ही फैट डाइजेस्ट कर पाएगा जितना आपका लिवर बना रहा है आपके पास एक्स्ट्रा स्टोर किया हुआ नहीं है कि अचानक से आपने भटूरे खा लिए तो वो इतने सारे तेल को पचा लेगा थोड़ा बहुत अगर हाँ आपने दाल के अंदर घी डाला है तो उतना वो थोड़ा बहुत पचा सकता है लेकिन ये सोचो कि पूरी कचौरी पराठा और खूब सारा घी खाते जाओ तली बुनी चीजें खाते जाओ तो वो डॉक्टर उसे खाने को मना कर देते हैं फिर भी आप खाओगे तो आपके पेट में आपको दिक्कत सी महसूस होगी क्योंकि आपके शरीर का वो फैट क्या है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ठीक है तो माही पथरी क्यों होती है पथरी तब होती है जब आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता और टमाटर या पालक में मौजूद कैल्शियम ऑक्साइलेट जो है वो ऑक्जॉलिक एसिड जो है वो कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्साइलेट बना लेते हैं और पथरी तब हो जाती है पूजा ने पूछा था कि फिर गॉल ब्लडर हटा दो तो क्या होगा गॉल ब्लडर हटा दोगे तो आपका बाइल जूस स्टोर नहीं हो पाएगा आपको तली भुनी चीजें कम खानी होंगी ठीक है चलिए अब इस बाइल जूस के अंदर होता क्या क्या है इस बाइल जूस के अंदर होती है दो चीजें एक तो होता है बाइल सॉल्ट यानी कि लवड़ और एक होता है बाइल पिगमेंट बाइल जूस क्या करता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये पित्र जो है ये पिताशय में संग्रहित संग्रहित होता है ये स्टोर कहाँ पे होता है ये बनता लिवर में है अपना काम कहाँ करता है ये अपना काम डिओडनम में करता है और ये स्टोर कहाँ पे होता है में होता है इसके अंदर कुछ बाइल पिगमेंट भी होती है पिगमेंट कोई भी ऐसी चीज होती है जो रंग देने का काम करती है तो इसके अंदर दो पिगमेंट होते हैं एक बिली रूबिन एक बिली वर्डिन जिसमें से बिली रूबिन येल्लो कलर देने का काम करता है तो जब आपके शरीर में पीलिया हो जाता है पीलिया हो जाता है तो उस समय क्या होता है आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता पीलिया का मतलब क्या आपके कौन सा शरीर देखो शरीर पीला पीला दिख रहा है आंखें पीली हो गई है बुखार हो गया वो सिम्टम है वो लक्षण है लक्षण से फिर हम um, ये पता लगाते हैं कि आपके शरीर का कौन सा अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है और तब हमें पता लगता है आपका शरीर का कौन सा अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है कि उसको जितना बिली रूबिन बनाना चाहिए था वो उससे ज्यादा मात्रा में क्या कर रहा है बिली रूबिन बना रहा है और इसी वजह से आपके शरीर में पीला रंग ज्यादा बढ़ चुका है जो कि आपकी आंखों के अंदर भी दिख रहा है आपके चेहरे पे भी दिख रहा है आपके सारे स्किन में भी दिखने लगा है तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ पिगमेंट ही नहीं बाइल जूस में भी दिक्कत आ रही होगी और आपका खाना पचने में भी दिक्कत हो रही होगी इसीलिए उस दौरान आपको उल्टियां भी लग जाती है क्योंकि आप खाना नहीं पचा पाते हैं उस टाइम पे आप खाना नहीं पचा पाते हो ठीक है अब देखिए तो ये क्या था ये था आपके मुंह के अंदर फूड पाइप नीचे आ गए थे ये थी आपकी ईसोफेगस इसी के साइड में ये था आपका स्टमक स्टमक के साइड से मैंने आप लोगों को अभी बताया था यहाँ पे लगा हुआ था आपका क्या लिवर अब इसी स्टमक के पीछे इसी स्टमक के पीछे भी एक ऐसा पत्ते की आकार का एक और ऑर्गन होता है जिसे कहा जाता है पेंक्रियाज ये लीफ शेप पत्ते की आकार का एक ऑर्गन है जिसे क्या कहा जाता है जिसे आप कह देते हो पेनक्रियाज या अग्नाशय ठीक है अब इसके अंदर भी क्या होता है? है? है इसके अंदर भी क्या बनता है पेनक्रियाटिक जूस बनता है इसके अंदर क्या बनता है अविनाश ने अपेंडिस पूछा था अपेंडिस स्मॉल इंटरस्टाइन में बताऊंगी जब वहां आएगा ठीक है तो यहां देखिए तो पेनक्रियाज में क्या बन रहा है पेनक्रियाज में बनता है पेनक्रियाटिक जूस, जूस. इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन एंजाइम पाए जाते हैं इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है यहाँ पाए जाते हैं आपके तीन एंजाइम कौन सा ट्रिप्सिन और लाइपेज अब आप लोगों को याद है आपके मुंह में क्या हुआ था जो पॉलीसेक्राइड था वो कन्वर्ट हो गया था किसमें ओलोइोसेक्राइड में अब वो ओलोइोसेक्राइड कन्वर्ट होगा किसमें डाई सेक्राइड में और ये काम कौन करेगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज पहले कौन कर रहा था पहले भी कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम एमाइलेज ने किया था लेकिन वो सलाइवा का एमाइलेज था तो उसे सलाइवरी एमाइलेज कहा था वो सलाइवा का एमाइलेज था तो उसे सलाइवरी एमाइलेज कहा था ये एमाइलेज एंजाइम पेनक्रियाज में बन रहा है तो इसे कहोगे पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो क्या हुआ आप देखिए तो आपका जितना भी ओलाइगोसेकराइड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें में डाई सेक्राइड में फिर आपके पेट में क्या हुआ था प्रोटीन कन्वर्ट हो गए थे पेप्टोन्स में याद है पेट के अंदर क्या हुआ था रेनिन एंजाइम ने प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया था पेप्टोन्स में अब ये पेप्टोन्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें डाई पेप्टाइड में और ये काम कौन करेगा ट्रिप्सिन एंजाइम ये काम कौन करेगा ट्रिप्सिन एंजाइम फिर आपने देखा था लिवर में बनने वाले बाइल ने क्या किया था ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट को कन्वर्ट कर दिया था किसमें ट्राइग्लिसराइड में अब पेनक्रियाज में बनने वाला लाइपेज उसी ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें डाइग्लिसराइड में उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें डाइग्लिसराइड में तो देखिए जल्दी से टेबल सी थी ना वो काम गई गेरी ठीक है तो एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे जल्दी से देखो क्या क्या हुआ था आपका सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम था वो सलाइवरी एमाइलेज कहाँ बन रहा था माउथ में और उसने क्या किया था कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया था किसमें और लोइोसेक्राइड में अब बना आपका कौन सा पेनक्रियाटिका माइलेज और वो पेनक्रियाटिका माइलेज कहाँ पे बना आपका वो पेनक्रियाटिका माइलेज बना आपके पेनक्रियाज में और उसने क्या किया ओलाइगोसेक्राइड को कन्वर्ट कर दिया किसमें डाइसेक्राइड में, में. फिर उसके बाद क्या हुआ था आपके स्टमक के अंदर एक एंजाइम था कौन सा पेप्सिन उसने क्या किया था आपके प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया था किसमें पेप्टोन्स में अब आपके इसी पेनक्रियाज के अंदर बना एक एंजाइम कौन सा ट्रिप्सिन और उस ट्रिप्सिन एंजाइम ने क्या किया पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें डाई पेप्टाइड में पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें डाई पेप्टाइड में फिर उसके बाद आपके लिवर के अंदर बना था क्या बाइल जूस आपके लिवर में क्या बना था बाइल जूस पितरस उसने क्या किया था आपके फैट को कन्वर्ट कर दिया था किसमें आपके ट्राइग्लिसराइड में अब आपके पेनक्रियाज में बनने वाला अब आपके पेनक्रियाज में बनने वाला लाइपेज एंजाइम क्या करेगा आपके ट्राई को कन्वर्ट कर देगा किसमें? डाइग्लिसराइड में स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ डाइग्लिसराइड में तो आप लोगों का थोड़ा थोड़ा डाइजेशन और आगे बढ़ चुका है जल्दी से बताइए यहां तक क्लियर हो गया अब बस एक स्टेप बचा है अब बस एक स्टेप बचा हुआ है छोटी आंत के अंदर ये भी डाइजेस्ट हो जाएगा और बड़ी आते उन सबको खून के अंदर पहुंचा देगी और डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा यहां तक हो गया चलिए आगे देखिए अब आपके इसी पेनक्रियाज को बोला जाता है कि ये क्या है ये मिक्स्ड ग्लैंड है ये मिक्स्ड ग्लैंड क्यों है क्योंकि कहीं पे भी या तो हार्मोन बनते हैं या एंजाइम बनते हैं लेकिन पेनक्रियाज एकमात्र ऐसा आपका ग्लैंड है एक ऐसी ग्रंथि है जहाँ पे एंजाइम भी बन रहा है और हॉर्मोन भी बन रहा है एंजाइम आपने देख लिए तीन बन रहे थे पेनक्रियाटिक अमाइलेज ट्रिप्सिन और लाइपेज और इसी पेनक्रियाज में मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ दो हार्मोन भी बनते हैं कौन से दो हॉर्मोन है कोई बताएगा कल बताया था मैंने आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं जल्दी से बताइए आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोज़न में और ग्लाइकोज़न को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं कौन से थे वो दो हार्मोन? इंसुलिन और ग्लूकागोन बताया था ना कि पेनक्रियाज में कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है इंसुलिन और ग्लूकागोन ये भी कहां बनते हैं आपके

तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ये क्या है आपकी छोटी आंत है अब इस छोटी आंत को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये जो ऊपर का बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा है जहां पे आपका बाइल जूस काम करता है इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है इस वाले हिस्से को हम कह देते हैं डिओडिनम ठीक है ये जो यहां से फिर आपकी बड़ी आंत शुरू हो जाती है ये बड़ी आंत है ठीक है साइड में पूरी ये बड़ी आंत है फिर लास्ट का वो हिस्सा लास्ट का वो हिस्सा जो इसको बड़ी आंत से कनेक्ट करता है लास्ट का वो बड़ी, वो लास्ट का का वो वो बड़ी हिस्सा जहां पे ये क्या करता है इसको इससे कनेक्ट कर रहा है उसे कहा जाता है इलियम और बाकी पूरा हिस्सा क्या कहलाता है आपका जेजुनम ठीक है तो डेओडिनम ये क्या है आपका जेजुनम और लास्ट का हिस्सा जो है ये क्या है आपका इलियम ये क्या है आपका इलियम तो छोटी आंत को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया डिओडिनम जेजुनम और इलियम अब इसके अंदर भी क्या होता है यहाँ पे भी आपके डिओडिनम में बाइल के साथ साथ कुछ जूस बनता है बाइल के साथ साथ यहाँ पे भी क्या होगा यहाँ पे कुछ जूस बनेगा जिसे कहा जाता है इंटस्टाइनल जूस जिसे क्या कहा जाता है जिसे कहा जाता है इंटस्टाइनल जूस अब इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी कुछ एंजाइम होते हैं कौन कौन से एंजाइम होते हैं यहाँ पे होता है आपका कौन सा एक तो होता है maltase. Maltase क्यों जरूरी है अब आपको याद है आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो माउथ के अंदर ओलाइगोसेक्राइड में कन्वर्ट हुआ फिर पेनक्रियाज ने उस ओलाइगोसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर दिया था और कल की क्लास में आपको बताया गया था डाइसेक्राइड तीन तरीके के होते हैं कौन कौन से माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज यानी कि अब आपकी छोटी आंत में जो शुगर पहुंची थी वो कौन कौन सी थी माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज ये तीनों डाई सेक्राइड पहुंची थी अब छोटी आंत में मौजूद ये रस क्या करेगा माल्टेज एंजाइम की मदद से इस माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में और लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में और फिर ये फ्रक्टोज भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में गैलेक्टोज भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें ग्लूकोज में तो क्या आप देख सकते हैं छोटी आंत के अंदर पहुंचने के बाद पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट हो चुका है किसमें ग्लूकोज में ठीक है फिर आपका जो प्रोटीन था वो स्टमक के अंदर पेप्टोन बना था पेनक्रियाज की मदद से डाई पेप्टाइड बन चुका था अब वही डाइपेप्टाइड छोटी आंत में एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें अमीनो एसिड में और जो आपका डाई था है ना डाइग्लिसराइड था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तो क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है तो खत्म कहाँ पे हो रहा है से बताइए डाइजेशन कहाँ खत्म होता है ऑप्शन में दिया होगा डाइजेशन कहाँ खत्म होता है छोटी आंत में खत्म होता है या बड़ी आंत में जाके खत्म होता है डाइजेशन ऑफ फूड या ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहाँ खत्म हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में आके वो खत्म हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में आके वो खत्म हो गया अब अगर डिओडिनम में इसका ब्रेकडाउन हो गया अब अगर डियोडिनम में इसका ब्रेकडाउन हो गया है तो जेजुनम और इलियम का क्या काम है देखो डाइजेशन का अभी एक बहुत बड़ा काम बच रहा है और वो क्या है एब्जॉर्ब वो क्या है एबजॉर्बशन यानी कि ये ग्लूकोज अमीनो एसिड फैटी एसिड ये तीनों चीजें एब्जॉर्ब पे जाके होंगी आपके जेजुनम और इलियम में ये एब्जॉर्ब पे होंगी ये एबजॉर्व होंगी जाके आपके जेजुनम और इलियम के अंदर देखो यहां इलियम में ऐसी पतली पतली ये देख रहे हो छोटी छोटी उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर होता है दिख रहा है ऐसा ऐसा कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं इन्हें विली बोला जाता है ये माइक्रो विली बोलते हैं ये क्या करते हैं ये सरफेस देखो अगर सिर्फ ऐसे ही प्लेन सतह रहेगी तो कम एब्जॉर्बन होगा लेकिन अगर मैं ये उंगलियां सी कर दू तो देख रहे हो आप इसका सतह क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया क्या हो गया बढ़ चुका है इसका सतह क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया क्या हो गया बढ़ गया अब एब्जॉर्बन भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो आपकी छोटी आंत के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर उंगलियों जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिन्हें कहा जाता है माइक्रोविली या विली जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं कि उसका क्षेत्रफल सतह क्षेत्रफल बढ़ा देती है ताकि अवशोषण होने में क्या हो सहायता मिले लास्ट बचा आपका लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे तो आपका कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो गया प्रोटीन हो गया फैट हो गया बची हुई जो तीन चीजें होती है मिनरल विटामिन और वॉटर वो आपके बड़ी आंत के कोलोन में आके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और फाइनली रेक्टम में लास्ट के हिस्से में आपका वहां पे मल इकट्ठा होता है और बाद में एनस उसे शरीर से कहा भेज देता है बाहर तो इस तरीके से आपका डाइजेशन क्या हुआ कंप्लीट हो गया ठीक है दो बज चुके हैं तीन बजे से वापस से आपकी क्लास है तब तक एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं देखो चलो तभी आपके एक बार रिवाइज करके आइएगा पहले ये क्वेश्चन करवाऊंगी और उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे कोई भी डाउट हो तो तब तक आप रिवाइज करके पूछ लीजिएगा पीडीएफ मैं अभी आप लोगों की अपलोड कर दूंगी ठीक है तीन से आप लोगों की फिर दोबारा क्लास होगी देखिए माना संडे है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसी टाइम के लिए ही कह रही हूँ टीचिंग वालों का भी पेपर अगस्त में ही है ये जुलाई अब खत्म हुआ दस दिन में ठीक है जुलाई अब दस दिन में खत्म हो जाएगा अगस्त आने में ज्यादा टाइम नहीं है जितना ज्यादा पढ़ के अभी खत्म कर सकते हो कर लो ताकि अगस्त में खाली रिविजन करेंगे अगस्त में खाली रिविजन करेंगे ठीक है चलिए क्लास को यहीं पे एंड करेंगे वापस तीन बजे मिलेंगे तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और इसे पढ़ के आइएगा